द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 को इससे पिछले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया था। आज 2 नंबर का 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तीसरा नंबर का क्वेश्चन होगा ये, तीसरा और चौथा को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लिखते हैं आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर में दिया 2 का तीसरा होगा, 2 का तीसरा आज बनाना है। तीसरा में दिया माइनस दो, फिर माइनस दो डॉट डॉट डॉट। ये क्या करना है आपको कि एपी में है या नहीं, पहले ये दो एक देखना है। तो अगर एपी में होगा तो अगला 2 पद निकालना है। तो पहले चेक करते हैं, सार्वंतर को चेक करते हैं। देखिए डी को चेक करते हैं, ये A1 A2 A3 A4 A5। तो हम क्या करेंगे, डी बराबर क्या होता है, A2 घटा A1। तो A2 कितना, 2 घटा, ठीक है, घटा में A1 कितना है तो -2। तो आया कितना, 2, अब माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 बराबर निकला आपका 4 निकला। फिर एक चेक करते हैं डी बराबर क्या निकला। अब A3 में से घटा के देखते हैं A2, A3 मतलब कितना, -2, तो -2, ठीक है, -2 इसका माइनस था माइनस, A2 कितना है, A2 आपका 2, तो कितना आ गया, -2 और -2 तो -4। 2 ही चेक करते हैं तो एक निकलता है क्या, 4, और एक निकलता है -4। अब हम आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है, क्या लिखेंगे, चूंकि लिख देंगे A2 घटा A1 बराबर नहीं है किसके, A3 घटा A2 के, अतः दी गई संख्याओं की सूची, यही ना है, दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। ये सॉल्व हो गया। और चौथा को यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, चौथा को यहाँ से कर लेते हैं। 2 का चौथा क्या क्या दिया, 1 1 1 तीन बार दिया, 1 1 1, 2 2 2, 2 2 2, 3 3 3, 3 3 3, 3 3 3, ठीक है, 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। क्या चेक करना इसमें एपी है या नहीं, पहले तो ये चेक कर, डी चेक करते हैं, सबसे पहले डी चेक करते हैं, सार्वांतर चेक करते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 घटा A1, तो कितना हो गया, A2 एक में से घटाएंगे कितना, एक में से A2 घटा एक, तो 0 आया। चलिए फिर D बराबर लीजिए, A3 घटा A2 निकालेंगे, तो A3 में से कितना, 1 घटा A2 हो गया 1, तो 0 आया, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। फिर निकालिए D बराबर क्या निकालेंगे, A4 घटा A3, A4 में देखिए कितना, 1 2 3 4, तो 2 में से 4 था ना, 4 में से घटा लीजिए कितना, 1, तीसरा तो 1 ही ना, बराबर कितना निकल गया यहाँ पर देखिए, 2 में से 1 जाएगा, तो
तो आपको आ जाएगा कितना, एक आएगा। अब देखिए दो तो समान हुआ, ये समान नहीं हुआ, तो जब ये समान नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए टू घटा ए वन बराबर ए थ्री घटा ए थ्री घटा ए टू बराबर नहीं है किसके, ए फोर घटा ए थ्री बराबर नहीं हुआ, तो क्या हो गया, अतः ए पी का ही है, अतः लिखेंगे अतः अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। ये सॉल्व हो गया इस प्रकार से, तीसरा और चौथा दोनों सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।